गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वायु प्रदूषण के बारे में जो हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है उसके अंदर अभी तक हम वायु प्रदूषण क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से इनके सोर्सेज हो सकते हैं, हम उनके बारे में बात कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अलग अलग वायु प्रदूषकों के बारे में, यानी उन सारे कंपोनेंट्स के बारे में जो प्रदूषक के रूप में कार्य कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने स्लाइड में लिखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीसा, ओजोन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सल्फर के ऑक्साइड्स, फॉस्जिन और मिथाइल आइसोसाइनेट, एरोसोल, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स और पराकण और सूक्ष्मजीव। ये सारे के सारे जो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं वो एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट की फॉर्म में काम करते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक अधजला कार्बन है। जब कोयला या कार्बन से बनी कोई भी चीज़, चाहे वो जीवाश्म ईंधन हो, कोयला हो, लकड़ी हो या कोई भी कार्बनिक पदार्थ यानी जिसमें कार्बन उपस्थित है, जब उसको जलाया जाता है तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। लेकिन यदि हवा में ऑक्सीजन की कमी हो या जलाया जाने वाले मटेरियल में कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसा होने पर जो कार्बन जलता है वो पूरा ना जलके यानी पूरी तरह से ऑक्सीडाइज ना होकर पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है और बनने वाला रासायनिक पदार्थ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ना होकर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। मेनली जो कच्चा कोयला होता है या अधजला कोयला होता है, पेट्रोल, डीजल है या लकड़ी है, इनको जब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक साथ जलाया जाता है तो ऑक्सीजन की कमी के कारण ये पूरी तरह से कार्बन को ऑक्साइड ना करके कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। इसी तरीके से सिगरेट के धुएं में भी कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बीइंग ए बायोलॉजी स्टूडेंट आप ये जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसकी अगर मात्रा ज़्यादा हो हमारे एनवायरनमेंट में तो काफ़ी घातक परिणाम हो सकते हैं। हम जानते हैं कि ब्लड में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से बनने की क्षमता होती है और यही क्षमता जो है वो रेस्पिरेशन के समय कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी जो क्षमता है हीमोग्लोबिन से बनने की वो ऑक्सीजन से भी कई गुना ज़्यादा है, लगभग 200 गुना ज़्यादा होती है। तो अगर वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो कि एक नेचुरल गैसेस हैं, हवा में प्रेजेंट ही होती है एज ए नेचुरल कॉम्पोनेंट, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट हो तो यह तीव्रता से रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो बाइंडिंग होती है वो इरिवर्सिबल होती है, यानी एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ गया तो वो दोबारा से टूटता नहीं है। तो जब ब्लड में उपस्थित ज़्यादातर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ जाता है तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है और ऑक्सीजन के बिना जो है वो दम घुटने लगता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा कि सर्दियों के दिनों में अक्सर अखबार में ये न्यूज़ आती है कि अंगीठी जलाकर सोने के कारण या कमरे में आग जलाकर सोने के कारण दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु होगी। उसका कारण यही होता है कि जब हम एक बंद कमरे के अंदर अंगीठी जलाते हैं, उसमें कोयला या लकड़ी जलाते हैं, तो शुरू में तो पर्याप्त मात्रा में कमरे के अंदर हवा होती है, उसमें ऑक्सीजन होती है, लेकिन क्योंकि सर्दियों में हम अच्छे से कमरों को, खिड़कियों को, दरवाज़ों को बंद करके सोते हैं ताकि कहीं से भी हवा ना लगे, तो वेंटिलेशन नहीं होने की वजह से धीरे धीरे आग जलने के कारण और हमारे सांस लेने के कारण जो हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो ख़त्म हो जाती है। और जैसे जैसे हवा की ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती है, जो जलने वाला लकड़ी या कोयला होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करना शुरू कर देता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड कमरे में सो रहे व्यक्ति के ब्लड में एंटर करके उसके हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है, जिसके कारण कि उसकी ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ख़त्म होने से, दम घुटने से या विषैले प्रभाव से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही ख़तरनाक जहर है जो कि एयर पोल्यूशन में एक मुख्य कंपोनेंट के रूप में पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम जानते हैं कि
एयर का नॉर्मल कंपोनेंट है। हवा के अंदर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई ही जाती है और वो ज़रूरी भी है पेड़ पौधों के सर्वाइवल के लिए भी और हमारे सर्वाइवल के लिए भी। परंतु जब ये मात्रा 0.03% से बढ़ जाती है तो कई तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से है, हमारे सांस लेने से तो आती है, लेकिन इसके अलावा जो जीवाश्म ईंधन होता है उसके जलने के कारण काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ द्वारा पौधों द्वारा अवशोषित की जाती है और प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के अंतर्गत इसको फिर भोजन बनाने में पौधे यूज़ करते हैं और बदले में वो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। पर परेशानी तब आती है जब ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की आवश्यकता या जो नॉर्मल नेचर का बनाया हुआ परसेंटेज लेवल है उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एक ट्रैप का, एक जाल का या एक बांध का निर्माण कर देती है जो कि सूरज से आने वाली रोशनी को वापस नहीं जाने देती। सूरज की जो किरणें होती हैं वो जब हमारे वायुमंडल को पार करती हुई धरती से टकराती हैं और जब वापस परावर्तित होने लगती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़्यादा मात्रा उपस्थित होने पर ये जो सूर्य की परावर्तित होने वाली किरणें हैं वो पूरी तरह से परावर्तित ना होकर इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले वातावरण द्वारा या कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च मात्रा वाले वातावरण द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने लगता है, जिसके कारण यही कारण है कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसी के तापमान के बढ़ने के कारण जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं उसके बहुत ज़्यादा ऋणात्मक प्रभाव हैं, जो कि हम आगे के टॉपिक के अंदर उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हम इतना ही समझ लीजिए आप कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और जिसके कई सारे नेचर के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एक बहुत ही ख़तरनाक केमिकल है जिसका भी हम बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। ये ओजोन को नष्ट करने वाला, यानी हमारे वायुमंडल में जो ओजोन की परत है जो सूर्य की हानिकारक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है, उस लेयर को नष्ट करने वाला केमिकल है। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर्स के अंदर कूलिंग के लिए इन गैसों का इस्तेमाल किया जाता है, पर जब धीरे धीरे ये जो गैसेस हैं या इन इंस्ट्रूमेंट्स के ख़राब होने से या टाइम के साथ ये गैसेस जो हैं वो वायुमंडल में रिलीज़ हो जाती हैं और ये जब स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में पहुँचती हैं तो बाकी गैसेस के साथ, वहाँ प्रेजेंट गैसेस के साथ मिलकर ओजोन परत को नुकसान पहुँचाती है और उसको ख़त्म करती है, जिसके कारण ओजोन लेयर में छेद हो जाते हैं और इस छेद या फिर जो ओजोन की लेयर है वो पतली हो जाती है। अब ओजोन की ये छिद्रयुक्त लेयर या जो पतली लेयर होती है ये इतनी सक्षम नहीं होती कि सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को रोक सके, जिसके कारण सूर्य की जो हानिकारक विकिरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, यूवी लाइट्स हैं, वो डायरेक्टली पृथ्वी तक पहुँचती हैं और पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं व वनस्पतियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। और यही कारण है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को ह्यूमन एक्टिविटीज़ और पूरे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक माना गया है, क्योंकि ओजोन जो लेयर है वो एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे इकोसिस्टम का, और जो हमें हर तरह की हानिकारक विकिरणों से बचाती है। और धीरे धीरे हम अपने इस ब्लैंकेट को या इस प्रोटेक्टिव लेयर को खुद ही नष्ट कर रहे हैं और इसके नष्ट होने के कारण हानिकारक विकिरणें जो हैं वो डायरेक्टली पृथ्वी तक पहुँच रही हैं। और यही कारण है कि जो स्किन कैंसर के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो यूवी रेज होती हैं इनकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो स्किन की अपर लेयर्स के अंदर ही ये ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। यही कारण है कि जिन देशों के अंदर सन बाथ लेने की या धूप में ज़्यादा देर रहने की टेंडेंसी होती है जिन लोगों की, वहाँ पर अगर ओजोन की लेयर पतली है तो वहाँ पर ओजोन की पतली लेयर के कारण सूर्य की किरणें जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में हानिकारक यूवी लाइट पृथ्वी तक पहुँचती हैं और उनके ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी तक पहुँचने के कारण ही जो कैंसर यानी स्किन कैंसर के जो केसेस हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और ओजोन लेयर का यही डिप्लेशन है, ओजोन लेयर में होने वाला डिप्लेशन जो है वो बढ़ते हुए कैंसर का मेन कारण माना गया है।